भगवान महावीर ने जिस तीर्थ की स्थापना की, तो तीर्थ स्थापना के पश्चात उस भगवान महावीर के तीर्थ की प्रथम पटकर बने गणगत सुद्रमा स्वामी। गणगत सुद्रमा स्वामी के समय से ये तीर्थ की पहचान, इस तीर्थ का विशेषण था निग्रंथ गच्छ के रूप में। तो निग्रंथ गच्छ के रूप में ये जिन शासन की नैतिक भावना करते हुए ये धर्म तीर्थ आगे बढ़ते बढ़ते और सुद्रमा स्वामी के पाठ पर 11वें पटकर आए आचार्य भगवान सुस्थिति सूरी। सुस्थिति सूरी ने 1 करोड़ सूरी मंत्र का जाप किया और उसकी वजह से वो निग्रंथ गच्छ आगे जाकर कोटि गण के रूप में प्रचलित होने लगा और पहचान में आने लगा। ऐसा सुस्थिति सूरी के पश्चात में 15वें पट पर आए आर्य वज्र स्वामी। उस आर्य वज्र स्वामी के विशिष्ट कोटि के योगदान को ध्यान रखते हुए जिन शासन का पहचान फिर कोटिगण के बाद वज्र शाखा के रूप में पहचाना जाने लगा। इसके पश्चात में 70वें पट पर आए आचार्य चंद्रसूरी और चंद्रसूरी के विशिष्ट जिन शासन की सेवा और भावनाओं की वजह से वो हमारा निग्रंथ गच्छ कोटिगण वज्र शाखा चंद्रकुल के नाम से पहचाने जाने लगा। और उसी पाठ परंपरा में आगे बढ़ते 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 आचार्य भगवंत हुए हैं 35वें श्री देवसूरी। आचार्य भगवंत देवसूरी के समय से ये हमारा निग्रंथ गच्छ कोटिगण वज्र शाखा और वज्र शाखा के पश्चात में देवसूरी के आचार्य भगवंत भी पावन शासन प्रणाम शासन प्रणाम को जानते हुए ये गच्छ परंपरा जाने लगी सुमित पक्ष के माध्यम से। ऐसा सुमित पक्ष के 37वें पटकर हुए उद्योतन सूरी और जी उद्योतन सूरी ने दो प्रकार की हमारे यहाँ पर शास्त्रों में उल्लेख मिलते हैं, आगू की तरेटी का और शत्रुंजय की तरेटी का। इस शत्रुंजय तरेटी या आगू की तरेटी जो भी वास्तविकता है वो आपको हमको सबको ध्यान रखना है। पर उस तरेटी में एक साथ में अपनी 84 शिष्यों को उत्तम योग में पास निक्षेप करके और 84 शिष्यों को अपने अपने ढंग से शास्त्र प्रभावना और आत्म विकास का मार्ग प्रशस्त किया और उसी के माध्यम से आचार्य उद्योतन सूरी के 84 शिष्य परिवार 84 गच्छ के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसे 84 गच्छ जिनके नाम से प्रसिद्ध हुए उनमें आचार्य उद्योतन सूरी तक सभी की गच्छ मत परंपरा सबकी एक समान रही, पर उसमें जो उनके पाठ पर सर्वाधिक शास्त्र प्रभावक बने ऐसे आचार्य भगवान वर्धमान सूरी। जिन वर्धमान सूरी ने अभी भी आपने इस अधिवेशन में सुना, आपू देवाड़ा हिमंसा मंत्री ने चिनाई के लिए सोने की मोरे बिछाकर जिन मंदिर बनाया, ऐसा घट नायक हिमल मंत्री ने भी उस आचार्य भगवान वर्धमान सूरी के माध्यम से और उनके वर्ध हस्तों से विमल वसई की उन्होंने अंजनशाला का प्रतिष्ठा संपन्न कराई। और ये आचार्य भगवान वर्धमान सूरी जिन पर वर्धमान सूरी ने धीरेन्द्र देव को आदेश दिया कि वर्तमान में जो हमारे भरत क्षेत्र में आचार्य भगवंतों की साधना के लिए जो सूरी मंत्र उपलब्ध है उन्होंने अपने ज्ञान बल से जाना, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं। तो धीरेन्द्र देव को आदेश दिया कि महाविधि में जाकर सीमंत्र स्वामी से सूरी मंत्र शुद्ध कराकर लाओ। और आचार्य वर्तमान सूरी ने 6 महीने तक आमिल तप करके और धीरेन्द्र देव के आने तक आमिल तप करके और उन्होंने सूरी मंत्र शुद्ध कराया और वही सूरी मंत्र की साधना पूरी जिन शास्त्र के आचार्य भगवंत आज भी अनुरत कर रहे हैं। ऐसे आचार्य भगवंत वर्धमान सूरी का जिन शासन के प्रति विशिष्ट योगदान रहा और आचार्य भगवंत वर्धमान सूरी विचरण करते करते मालवा की धारा पर धारा नगरी में पधारे और वहां पर 2 ब्राह्मण पुत्रों को देखा, उनका नाम था जो हमारे ही संघ के आचार्य बने बुद्धि सागर सूरी और साथ साथ में जिनेश्वर सूरी। ऐसे जिनेश्वर सूरी और बुद्धि सागर सूरी ये दोनों गुरु भ्राता थे और उन्होंने वर्धमान सूरी के पास में अपना जीवन समर्पित करके और जैन धर्म में पंच महाव्रतों को स्वीकार किया। गुरु निष्ठा में अध्ययन करते करते और जिन शासन की नैतिक भावना करते करते 11वीं शताब्दी के आसपास की घटना है जब जिनेश्वर सूरी और बुद्धि सागर सूरी को आचार्य भगवंत वर्धमान सूरी ने आदेश दिया कि आप श्री उस हमारी
जैन धर्म की विशिष्ट शासन प्रवाहना करने वाली धरा और धरती की पाटन नदी, उस पाटन नदी में चैती वासियों का विशिष्ट प्रकार का बोलबाला और प्रभाव बढ़ने लगा। चैती वासियों के बारे में थोड़ा सा समझ लें कि चैती वासियों का प्रादुर्भाव कब से हुआ। विक्रम की दूसरी तीसरी शताब्दी में जहाँ जैन दर्शन तत्वनिष्ठ और आचारनिष्ठ आचार संहिताओं के माध्यम से आगे बढ़ रहा था, तो दूसरी तीसरी शताब्दी का जो समय चला और उस काल उस समय में जिन शासन में पुरधर्मों का अभाव सा होने लगा, और ऐसे करते करते पांचवी शताब्दी में अंतिम पुरधर्म है देवव्रती गणी क्षमा श्रवण। तो पुरधर्मों के अभाव में मुनि जीवन में साधु जीवन में सुविधावाद का इतना ज्यादा प्रादुर्भाव होने लगा कि मुनि भगवान अपनी आचारों से नीचे उतरने लगे और धीरे धीरे करते करते सुविधा में जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। ऐसी परिस्थिति में दूसरी तीसरी शताब्दी में ये सुविधावाद का आचारों में प्रवेश होते होते मुनि जीवन में शिथिलाचार प्रारंभ हुआ और चौथी और पांचवी शताब्दी में ये शिथिलाचार उभरने लगा और चैती वासियों की परंपराओं का प्रादुर्भाव हो चुका। चैती वासियों की ये परंपरा आगे बढ़ते बढ़ते छठवीं सातवीं शताब्दी में एकदम जन जाहिर के रूप में चैती वासियों के सारे सारे शिथिलाचार जन सामान्य के सामने प्रस्तुत होने लगे। और इसका आपको हमको क्या सुनता है, छठवीं शताब्दी और सातवीं शताब्दी के मध्य में 1444 ग्रंथों के महान आचार्य हरिभद्र सुनी भगवंत ने एक संबोध प्रकरण नाम का ग्रंथ लिखा है। उस संबोध नाम के प्रकरण में उस काल उस समय में की दूसरी तीसरी शताब्दी से जो ये सुविधावाद बढ़ते 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 चौथी पांचवी शताब्दी में विकास को देते रहते छठवीं शताब्दी और सातवीं शताब्दी में चैती वासियों को किस प्रकार का शिथिलाचार था, उन्होंने अपने हृदय की वेदना और संवेदना ऐसी प्रकट की है कि हकीकत में आप और हम सभी उन सबोध प्रकरण के चैती वासियों के जीवन चरित्र को पढ़ ले तो निश्चित में आपको हमको जिस शासन के प्रति अनुराग रहता है प्रेम है तो निश्चित लगता है कि हमारे शासन को क्षति पहुंचाने में चैती वासियों की परंपराओं का किस प्रकार का एक अपना कार्य क्षेत्र रहा। इस प्रकार से छठवीं सातवीं शताब्दी आचार्य हरिभद्रपुरी ने स्पष्ट रूप से संबोध प्रकरण में उसका उल्लेख किया है और ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि आप उन्हें कल्पना नहीं कर सकते हैं कि श्रवण के देश में रहकर और जिन शासन की आज्ञा के विरोध और इस प्रकार के अनुचित आचरण करने की हिम्मत और साहस एक मानव और एक सैनिक कर सकता है। इस प्रकार का वर्णन पढ़ते पढ़ते हम आगे बढ़ते हैं तो चैती वासियों का हरिभद्रपुरी ने बहुत बड़ा वहां पर आंदोलन चालू किया और आंदोलन चालू करने में आचार्य हरिभद्र सुरी ने अपने संयम के आकाश से बहुत सारे शिथिलाचारी साधुओं को वापस सुमित मार्ग में स्थापित किया और आगे बढ़ते 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 11वीं शताब्दी का जो समय आया और इस 11वीं शताब्दी में पुणे चैती वासियों का बोलबाला जबरदस्त बढ़ने लगा। यहाँ तक ऐसी स्थिति बन गई जो चैती वासी साधु थे वो ही जिन शासन के प्रतिनिधि कहलाने लगे और सुमित परंपरा के शुद्ध विशुद्ध चैत्र का जो पालन करने वाले थे उनको कोई भी जनमानस साधु मानने के लिए सही मानने के लिए त्याग और तत्पर नहीं हो रहा था। उस काल उस समय में हमारे जिन शासन के महान आचार्य सूरी जिनेश्वर और बुद्धि सागर सूरी ये दोनों गुरु भ्राता अपने शिष्य परिवार के साथ मां पाटन नगरी में पहुंचते हैं। घटना का तो विस्तार करने का समय अभी नहीं है, आप लोग सभी को घटना लगभग विदित है कि वहां पर चैती वासियों के महामणि से सुराचार्यों का वहां बोलबाला था और उस काल उस समय में तमाम चैती वासियों के सर्वोपरि आचार्य माने जाते थे सुराचार्य और सुराचार्यों के साथ में विक्रम संवत 1080 दुर्लभ राजा की राजसभा में और सूरी जिनेश्वर और आचार्य भगवान बुद्धि सागर सूरी जी और इधर सुराचार्य चैती वासियों के साथ शास्त्रार्थ हुआ और शास्त्रार्थ में जिनेश्वर सूरी और बुद्धि सागर सूरी आचार्य भगवंत ने शास्त्रार्थ में सुराचार्यों को निरुत्तर किया और उनकी आचार संहिता जिन आज्ञा के विरुद्ध है ये प्रूफ कर किया प्रमाणित किया और उस काल उस समय में दुर्लभ राजा ने उनके सुविशुद्ध चैत्र के प्रभाव को देखते हुए और शास्त्रों के प्रति समर्पण का भाव को देखते हुए और शास्त्र अनुरूप उनके चैत्र पक्ष को देखते हुए सुसंयम को देखते हुए और उनको विशेषण दिया गया खट्टर का। तब से जाकर उनकी जो शिष्य परंपरा हुई और उनका जो चतुर्विध संघ रहा वो खट्टर गज के नाम से पहचाने जाने लगा। पर बात अब जहां आकर अटकती है कि जिनेश्वर सूरी ने कभी भी अपने साहित्य रचना में भी और अपने नाम के आगे भी और कहीं कभी अंजन सला का पछताने जिन प्रतिमाओं में नाम उल्लेख करते समय कहीं खट्टर गज का उल्लेख नहीं किया गया। यहाँ तक जिनेश्वर सूरी के बाद दो तीन पीढ़ियों तक खट्टर गज सबका
का उल्लेख आपको उनको कहीं पर भी देखने में नहीं आता है। इसका कारण एकमात्र हम समझने का प्रयास करें, इसके साथ साथ हम ये भी समझने का प्रयास करें कि 84 गच्छ में जितने भी गच्छ समय समय पर विकसित हुए, संवर्धित हुए और उसके बाद में वर्तमान में जितने भी गच्छ समुदाय है उसमें सबसे प्राचीन है हमारा ये खत्तर गच्छ, और खत्तर गच्छ के लगभग 100 साल के बाद में आंचल गच्छ का प्रादुर्भाव हुआ और लगभग उसके 100 साल के बाद में तप्पा गच्छ का प्रादुर्भाव हुआ। तो ऐसे तप्पा गच्छ आचार्य भगवान जगचंद्र सूरी को जब तप्पा विरुद्ध मिला उनकी भी इतिहास की निष्पक्षता से यदि समीक्षा करें, अवलोकन करें, अध्ययन करें, ये बात समझ में आती है कि तप्पा गच्छ के आचार्य भगवान जब चंद्रसूरी को तप्पा विरुद्ध मिला तो उनकी भी 2-3 पीढ़ियों तक तप्पा विरुद्ध का उल्लेख कहीं पर भी मिलता नहीं है। बंधुओं कल्पना करो किसी के परिवार के परदादा जी को संघवी का टाइटल मिले तो उसके परदादा जी इस विशेषण को अलंकरण को यदि अपने नाम के आगे यदि यूज नहीं करे तो ये नहीं कहा जा सकता कि उनके परदादा जी ने छरी पाली आदि संघ निकाला नहीं, इस प्रकार का कोई प्रश्नचिन्ह खड़ा नहीं किया जा सकता। विशेषण का अलंकरण का योग उपयोग करना या नहीं करना ये व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र सोच पर क्या करता है, डिपेंड करता है। और उन दादाजी को जो विशेषण मिला संघवी पद का उनके पिता उसके बेटे ने भी नहीं किया, उनके पोते ने भी किया, पर उनका पड़ पोता यदि अपने पर दादा का नाम उल्लेख करते समय संघवी शब्द का यूज करता है तो उसको कहीं पर भी अनुचित और अन्यथा कहा जा सकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जिनेश्वर सूरी को खट्टर विरुद्ध मिला और उनकी 2-3 पीढ़ी तक यानी विशेषण को अलंकरण को अपने नाम के साथ यूज करना अपनी आत्म साधना के लिए योग्य और उचित नहीं माना, तब जाकर युग प्रधान दादा गुरुदेव जिन दसवी के समय से ही ये युग प्रधान जिन दसवी ने अपने पूर्वाचार्यों के जिन शासन की नैतिक भावना और यथार्थ वास्तविकता जिन धर्म की वापस जो प्रादुर्भाव किया इसको जनमानस तक और सदियों सदियों तक पहुंचाने के लिए युग प्रधान दादा गुरुदेव ने कर्तव्य सत्कार टाइटल प्रारंभ किया और उनके नाम के साथ जुड़ना चालू हुआ और उनकी संस्कृतियों के साथ जुड़ना चालू हुआ। इसकी वजह से आज भी अन्य गच्छ वाले कहते हैं कि दादा गुरुदेव जी दसूरी से खत्तर गच्छ का प्रादुर्भाव हुआ, ये मात्र मिथ्या भ्रांति और मिथ्या भ्रम फैलाने का मात्र कार्य किया जा रहा है। दुर्लभ राजा का चौलुक्य वंश का जो इतिहास है वो भी निष्पक्षता से यदि देखा जाए, अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट समझ में आता है कि दुर्लभ राजा की राजसभा में विक्रम संवत 1080 में जैन मुनियों का शास्त्रार्थ हुआ और सुवित पक्ष के मुनि जिनेश्वर सूरी को दुर्लभ राजा ने खट्टर विरुद्ध प्रदान किया, ऐसा चौलुक्य वंश के इतिहास में भी उल्लेख आपको पढ़ने में आता है। लगभग चतुर दादा गुरुदेव से लेकर और आज तक अपने पास जितनी भी ऐतिहासिक प्रमाण है चाहे हमारे आदि ग्रंथों के हो, शास्त्रों के हो, और चाहे ऐतिहासिक घटनाओं के हो और चौलुक्य वंश के इतिहास के हो, चाहे विदेशों की लाइब्रेरियों में रहने वाले भारत का जैन धर्म के इतिहास की हो, चाहे अन्य गच्छ मत परंपराओं के इतिहास की हो, ऐसे 30-35 इतिहास आपके पास हमारे पास आज वर्तमान में उपस्थित है जहाँ विक्रम संवत 1080 और दुर्लभ राजा की राजसभा में जिनेश्वर सूरी को शास्त्रार्थ में पारंगत निपुण होने की वजह से और उनको खट्टर विरुद्ध प्रदान किया गया। अभी अभी उस समय पहले इतिहासकारों ने दुर्लभ राजा की एक मूवी बाहर प्रस्तुत की है और उसमें स्पष्ट उल्लेख किया है जो ये भ्रांति फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि 1078 के बाद में दुर्लभ राजा का अवसान हो गया, ऐसा किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है। मात्र ग्रंथियों के माध्यम से और अपनी आग्रह बुद्धि को पुष्ट करने के लिए ये भ्रम फैलाया जा रहा है। अभी चौलुक्य वंश का जो इतिहास निकला है और उसकी मूवी आ चुकी है, यूट्यूब में भी उपलब्ध है और विशेष जानकारी चाहिए तो लिख दिया नाटा से आप संपर्क कर सकते हैं और उसमें दुर्लभ राजा का पूर्ण इतिहास बताया गया कि 1075 के समय में दुर्लभ राजा पाटन से निकलकर काशी की यात्रा के लिए गए हैं। उस काल उस समय में राज्य के संचालन के लिए उनका कोई वंश परंपरा में संतान नहीं होने की वजह से और अपने भतीजे भीमदेव को शासन राज सिंहासन पर आरूढ़ करके और तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया और विक्रम संवत 1078 में तीर्थ यात्रा करके वापस पाटन में पहुंचे हैं। पाटन आने के बाद देखा कि भीम बराबर राज्य का संचालन कर रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है, तब जाकर विक्रम संवत 1078 में दुर्लभ राजा ने अपने पर हस्तों से राज्य तिलक करके और भीम
को राजा के रूप में क्या कर दिया, घोषित कर दिया। बस विक्रम संवत 1071 करके राज्य घोषित होने पर और आखिर जिसका आखिरी पुत्र थी और जिसको खत्तर गज के विक्रम संवत 1080 से एलर्जी थी, उन्होंने कह दिया कि राजा का काल धर्म हो गया, राजा की मृत्यु हो गई। ऐसा उल्लेख करने वाला का पूरा पूरा जी विचारधारा है मिथ्यात्ववादी है, भ्रमणा पैदा करने वाली है। क्योंकि उस मूवी में स्पष्ट कहा गया है कि विक्रम संवत 1080 में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद विक्रम संवत 1080 के बाद दुर्लभ राजा ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है। यानी दुर्लभ राजा विक्रम संवत 1080 में संसार में उपस्थित थे, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। और चतुर दादा गुरुदेव ने बाड़ी पाशनाथ पाटन के 108 पाशनाथ में आने वाले जिसकी अंजन शिला का प्रतिष्ठा चतुर दादा गुरुदेव ने कराई और वहां का जो शिलालेख प्रशस्ति दिखाया गया उसमें भी विक्रम संवत 1080 का उल्लेख किया गया है। समय सुंदर जी महाराज साहब ने 1725 बनाई उसमें 1080 का उल्लेख है। क्षमा कल्याण जी महाराज साहब जिनकी वास्ते हम प्रदान करते हैं और उन्होंने भी खत्तर गज के इतिहास में 1080 का उल्लेख किया है। एक नहीं 30 से 35 1080 के प्रमाण आप और हम सबके पास उपलब्ध है और इतिहासकारों ने भी ये सारे चीज को 1080 में खत्तर गज की उत्पत्ति का काल माना है। साथ साथ में विदेशों की लाइब्रेरी में पुस्तकालयों में कहां कहां उल्लेख 1080 विक्रम संवत का है वो भी अपने पास प्रमाण के रूप में मौजूद है। तीन कुई के आचार्य भगवंत राजेंद्र सूरी ने राजेंद्र कोष में भी विक्रम संवत 1080 खत्तर गज की उत्पत्ति मानी है। तप्पा कच्छी आचार्य भगवान विश्व विजय जी महाराज साहब ने भी खत्तर गज की उत्पत्ति विक्रम संवत 1080 मानी है। तप्पा कच्छी आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब ने भी खत्तर गज की उत्पत्ति विक्रम संवत 1080 दुर्लभ राजा की राजसभा में जिनेश्वर सूरी को खत्तर में मिला। ये पूरी पूरी इतिहास आपके श्री संघ के पास उपस्थित है। तो ऐसा विक्रम संवत 1080 में जिस खत्तर गज को ये अलंकरण मिला और विरोध मिला वो चाहे जिनेश्वर सूरी ने उसका उपयोग अपनी आत्मा भावों की सुरक्षा के लिए मान कसाय आदि से बचने के लिए अहंकार आदि दोषों से अपने आप को दूर रखने के लिए उसका उपयोग किया या नहीं किया, पर उनकी संगति और उनके शिष्य परिवार ने सम्मान सम्मानी परिवार ने श्राव श्राविकाओं ने खत्तर गज का ये पूरा 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 टाइटल का यूज होते गया और इस प्रकार से खत्तर गज का विकास होते होते अनेक प्रकार की प्रकार और चढ़ाव में आगे बढ़ते बढ़ते 10 प्रकार की मूल शाखा और 4 प्रकार की उप शाखाओं में जिन शासन की अनवरत ये शासन प्रभावना करते करते और जिन शासन के रथ को इस ऐतिहासिक तक पहुंचाने में खत्तर गज का महान योगदान रहा। तप्पा गज आचार्य भगवान जिन पर सुनी जिन विजय जी महाराज साहब जो पूरा तत्व के महान विद्वान जिन शासन के गुरु भगवंत माने जाते हैं उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि जिन शासन में खत्तर गज की परंपरा नहीं रहती तो आज ये जिन शासन का वर्ग स्वरूप किसी भी एंगल में किसी भी परिवेश में आपको उनको देखने को जानने को नहीं मिलता। चाहे नरेशों का प्रतिबोध हो और मैं आपको एक स्पष्ट बात बताऊं कि मोहम्मद बादशाहों जैसों को और मुगल सम्राटों को भी प्रतिबोध देने का सर्वप्रथम यदि किसी ने कार्य किया तो 14वीं शताब्दी के महान आचार्य भगवान जिन पर सूरी ने सबसे पहले मुगलों को प्रतिबोध देने का कार्य किया ये परंपरा आगे खत्तर गज के आचार्यों के द्वारा बराबर 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 चलती गई। इस प्रकार से खत्तर गज के आचार्यों का चाहे नरेशों का प्रतिबोध हो जन जन को जिन धर्म से जोड़ने का कार्य हो चाहे आत्म की टीकाएं लिखने का हो चाहे शास्त्रों की रचना करने का हो और हर क्षेत्र में खत्तर गज के आचार्यों ने महान योगदान देते 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 जिन शासन की भावना में अतुलनीय अद्भुत अनुकरणीय ऐसा योगदान दिया कि जिसका हम सूक्ष्मता से बारीकी से अध्ययन करेंगे श्रवण करेंगे तो हमारे 3.5 करोड़ लोगों में ऐसा रोमांच भाव पैदा होगा कि आज उन आचार्यों का कितना बड़ा योगदान और कितना बड़ा समर्थन जिन शासन को रहा और जिस शासन की भावना करने में किस प्रकार का अपनी अपनी सेवाएं देकर जिन शासन को आप तक हमारे तक पहुंचाया। आप और हम सभी सौभाग्यशाली महापुण्यशाली और इतने भाग्यशाली हैं कि आज आप और हम सभी उसी परंपरा की विधि विधानों के माध्यम से अपनी आत्मशुद्धि के मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे जिन शासन का ये खत्तर गज जो अपने विक्रम संवत 2080 जिस दिन से प्रारंभ होगा क्योंकि बंधुओं आप
आपको हमको कोई भी प्रमाणित तिथि मालूम नहीं है कि जो आचार्य भगवान जो दिल्ली में रहते हैं उनको पद अनुक्रम कहाँ मिला, टाइटल कहाँ मिला, संबोधन प्रशंसा का कहाँ मिला, इसका उल्लेख करने में उन्होंने अपनी भूमिका अदा नहीं की। इसके लिए खट्टर विरुद्ध कब मिला कि आपको हमारे पास में कोई प्रमाणित समय नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए विक्रम संवत 2080 से और विक्रम संवत 2080 बस जब तक चलेगा वो पूरा साल आपको हमको उत्सव के रूप में मौसम के रूप में और अपने इस जिन शासन ने खट्टर गज के चतुर्विध धर्म संघ साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं का जो योगदान इस गज को रहा और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करके पर अपनी आत्म मार्ग आत्म साधना के मार्ग को प्रशस्त करने का ये अनुपम अवसर आ चुका है। बस आपका हमारा सबका कर्तव्य बने एकजुट होकर गुरु भगवंतों के मार्गदर्शन में ये पूर्वी स्पष्ट नागेश्वर में कि खट्टर गज का ये 17 शताब्दी महोत्सव है, ये कोई किसी विशेष आचार्य भगवान का, किसी विशेष गुरु भगवान का और किसी विशेष साधु साधवी का ये कार्यक्रम नहीं है। आप खट्टर गज के श्रावक श्राविका खट्टर गज के जितने भी गुरु भगवान वर्तमान में गजाधिपति से लेकर जितने भी 300 की ये जो अपनी साधु साधवी की समुदाय है हरे गुरु भगवंतों के पास मार्गदर्शन और उनके अनुभव और इस 17 शताब्दी महोत्सव के साथ गच विकास के लिए और गच के अभिवृद्धि के लिए उनका भी मार्गदर्शन और प्रेरणा ले सकते हैं पूर्वी का और इसी अनुसरण से आचार्य भगवान की पावन प्रेरणा से खट्टर गज 17 शताब्दी महोत्सव का जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसका विस्तार का कार्यक्रम और बड़ आयोजन क्योंकि हमारा पाटन की नगरी में जो खट्टर विरुद्ध मिला पर वर्तमान की वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि वहाँ खट्टर गज के अभिनय कोई बड़े स्तर का आयोजन कर सके। इन सारी व्यवस्थाओं को ध्यान रखते हुए उस गुजरात की पुण्य वसुंधरा सासुर तथा राज में इस खट्टर गज के जो हमारा प्रादुर्भाव हुआ पाटन में और उसी पाटन की पुण्य धरा से लगा हुआ सासुर तथा राज तीर्थ में बड़ आयोजन करने का निर्णय लिया गया और उस निर्णय के अनुसार साथ साथ में खट्टर गज 17 शताब्दी महोत्सव समिति के द्वारा वर्तमान में जांचा चातुर्मास भगवत के हैं सबको आमंत्रण भी दिया गया और साथ साथ में सुपारजी साहब गोलचंद कौन जी साहब पारद और विजय कुमार साहब संचेती और साथ साथ में अभय कुमार साहब सेठिया ये ऐसे श्रावक सभी राजस्थान में जितने भी गुरु भगवंत विराजमान थे उनको आने वाले सन 2023 में खट्टर गज का जो आचार्य भगवंत की पावन स्थान में चातुर्मास उद्यान नवाणु और 17 शताब्दी का महामहोत्सव आयोजन हो रहा है तो जयपुर से लेकर तमाम स्थलों पर उन्होंने विनती आदि करके आए हैं। लगभग अधिकांश गुरु भगवंत ने अपनी स्वीकृति भी प्रदान की है कि हम इस 17 शताब्दी महोत्सव उद्यान नवाणु और सतलुज के चातुर्मास में पावन उपस्थित देने की भावना रखते हैं। अभी मात्र छत्तीसगढ़ एमपी और दक्षिण भारत और विदर्भ जिन क्षेत्रों में अभी गिनती बाकी है उनकी भी रूपरेखा बन चुकी है और सदस्यगण प्रत्यक्ष उपस्थित होकर वहाँ पर गिनती करने जाएंगे। गुजरात आदि बाबूलाल साहब चंपा लाल साहब पवन जी साहब पारक आदि से भी कॉन्टेक्ट हो चुका है कि गुजरात की पूरी तरह पर जितने भी खट्टर गज की परंपरा के साथ साथ भगवंत है उन सबको विनती करके और सारस्वती सतुलज के लिए चातुर्मास उद्यान नवाणु और चरिपाल सस्त शताब्दी के लिए वहां पर इसका प्रदान करने के लिए भाव भरी विनती समिति की ओर से करे इस प्रकार का कार्य प्रारंभ हो चुका है। बस आपको हमको समय बहुत कम शेष बचा है बड़े उत्साह के साथ उल्लास के साथ उमंग के साथ इस खट्टर गज 17 शताब्दी के साथ आपको हमको जुड़ना है। काम किसका है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है आपको हमको अपने गज के प्रति गौरव है जिसकी बदले से आपको हमको ये जिन शासन मिला यदि हम समझते हैं मानते हैं तो इस गज के प्रति अपने पूर्वजों के प्रति और अपने उपकारियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का सुंदर अवसर मौका चांस है। कार्यक्रम की लगभग रूपरेखा 1.5 साल से ये कार्यक्रम की रूपरेखा बनते बनते आज आपके सामने प्रस्तुत कर दी गई है। इस कार्यक्रम में विशिष्ट कर मैं आपको बता दूं कि वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रम के लिए डॉक्टर सरोजिनी गोचर ने भी आपको अवगत कराया और किस प्रकार के स्थायी काम करना ये के लिए नितिन कुमार साहब नाटा ने बताया और साथ साथ में इस महोत्सव का वृद्ध आयोजन आदित्यनाथ तीर्थ में करने का जो निश्चित किया 25, 26 और 27 ये तो मात्र आपको सार संक्षेप में कार्यक्रम बताए हैं पर इन कार्यक्रम को साथ साथ बड़े स्तर के भी कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित होने वाले हैं जिनकी परमिशन अनुमति सहमति मिल जाए उस अनुसार कार्यक्रम समय समय पर आपको प्रस्तुत कर दिया।
किया जाएगा। इसके साथ साथ में सन 2023 में आचार्य भगवंत का चातुर्मास और लगभग 100 से अधिक साधु साधी भगवंतों का चातुर्मास आचार्य भगवंत के साथ में वापस तिथि में होना सुनिश्चित हुआ। मेवाड़ भवन शुक्र भवन लगभग बुकिंग हो चुके हैं, सब कुछ फाइनल हो चुका है और 1000 आराधकों का उद्यान और 1000 आराधकों का नमामि यात्रा का भी लक्ष्य टारगेट बन चुका है। उसके ये फार्म आराधना के लिए बहुत ही शीघ्र लगभग दिवाली के आसपास में फार्म भी आपके संगों के पास में और आराधक वर्ग के पास में पहुंचा दिए जाएंगे। फार्म भरने के बाद जिसकी भी अनुकूलता है आराधना के साथ जल्दी से जल्दी जुड़ने की अपनी मानसिकता भावना बनाएं, क्योंकि बाकी व्यवस्थाओं को ध्यान रखते हुए पूर्व की व्यवस्था सुचारू नहीं की गई आगे जाकर व्यवस्थाओं में बहुत दिक्कत आती है। इसके साथ साथ में विशेष ध्यान से सुने कि उद्यान तक के लिए आचार्य भगवत ने जैसे ही अपनी भावनाएं प्रकट की तो उद्यान का मुख्य लाभार्थी के रूप में 1,11,11,111 का लाभ श्रीमान सांचोर निवासी हाल मुकाम सिकंदराबाद नरपंच चंद जी साहब कामुगो ने मुख्य लाभ लेने की अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसी के साथ साथ में सभी जिन शासन के आराधक वर्ग को साथ साथ में कर्तव्य के अनुयायियों को शाश्वत तीर्थ में उद्यान तक का लाभ मिले और उसके लिए भी आचार्य भगवंत ने एक सुंदर योजना कुछ कार्यकर्ताओं को दी और कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया, इसलिए हम एक ऐसी राशि नियुक्त करेंगे जिससे हर किसी आराधना में लाभ मिले। 27,27,927 की एक राशि उद्यान तक के लाभार्थी के रूप में सहयोगी के रूप में निश्चित की गई है ताकि हर परिवार को शाश्वत तीर्थ में उद्यान तक उपलब्ध कराने का लाभ मिले। इसके लिए भी 6 नाम आ चुके हैं और 6 नाम की मैं समय पर घोषणा भी करूंगा और इसके साथ साथ नवाणु तक ये उद्यान तक कब तक प्रारंभ होगा इसकी जानकारी के लिए आगामी सन 2023 में सावन माह 2 बार है और कर्म सूत्र के मूल को देखते हुए आगम ग्रंथों की मूल व्यवस्थाओं को देखते हुए और जितने भी हमारे गुरुआचार्य हरिभद्र सूरी हुए हेमचंद्राचार्य हुए हैं जो किसी भी गज मंत्र परंपरा जो वर्तमान में चल रही है उनसे उनका कोई लिंक नहीं है, ऐसे तमाम आचार्य भगवंतों का और जिन शासन की हमारी जो पद्धति है और आगम के अनुसार जो संस्कृत पर करने का हमारा मूल ज्ञान है कि चातुर्मासिक 14 से 50वीं दिन के भीतर में आपको संस्कृत प्रतिक्रमण करना जरूरी है। आगम ग्रंथों में कहीं पर भी सावन भादों का उल्लेख नहीं है, चौथ पंचम का भी उल्लेख नहीं है, 50वां दिन आपको उल्लंघन नहीं करना है, ये स्पष्ट मान्यता हमारे आगम ग्रंथों में उल्लेख मिलती है। कालांतर में अपनी अपनी परंपराओं के गुरुभक्तों ने अपनी अपनी समझ के अनुसार महीना आदि उसमें क्या किए हैं फाइनल किए हुए हैं। इस प्रकार से खतरगज आज भी आगम सम्मत परंपराओं का अनुकरण करते हुए चातुर्मासिक प्रतिक्रमण से 50वें दिन के भीतर में संवत्सरी प्रतिक्रमण करके और अपने वर्ष भर के पापों का प्रायश्चित करता है। आगामी वर्ष में सावन 2 है इसलिए खतरगज की परंपरा के अनुसार द्वितीय सावन शुद्धि चौथ के दिन संवत्सरी प्रतिक्रमण रहेगा और ये सारी व्यवस्थाओं को ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक आराधक वर्ग शाश्वत तीर्थ में प्रभादिराज प्रभुसन की आराधना कर सके इसके लिए कार्यकर्ताओं ने 1500 आराधकों के लिए सामूहिक प्रभादिराज प्रभुसन की आराधना का भी व्यवस्था सुचारू कर ली है। तो जिनको भी 8 दिन भक्तों के स्थान में शाश्वत तीर्थ में प्रभुसन की आराधना करनी है वो भी अपना फार्म यथा समय पर भर सकते हैं। इसके बाद भावदा शुद्धि में जो भी उत्तम श्रेष्ठ मुहूर्त आएगा और उसके अंतर्गत भावदा शुद्धि में लगभग पंचमी से लेकर पूनम के बीच में जो भी श्रेष्ठ मुहूर्त आएगा और उस दिन से उद्यान तक की विधि विधान प्रारंभ हो जाएंगे, उद्यान प्रारंभ हो जाएगा और कार्तिक शुद्धि पंचमी के आसपास उद्यान तक की मांग महोत्सव का आयोजन हो जाएगा। कार्तिक शुद्धि पंचमी के पश्चात में फिर आगे जाकर कार्तिक शुद्धि पूनम के बाद जो भी 1-2 दिन के बाद श्रेष्ठ मुहूर्त आएगा और उसमें 1000 आराधकों की नमाणु यात्रा का भव्य आयोजन प्रारंभ हो जाएगा। और इस प्रकार से ये नमाणु में भी आचार्य भगवंत ने जैसे निर्णय लिया और वर्षों से जिनकी प्रबल भावना थी आचार्य भगवंत की पावन निष्ठा में नमाणु यात्रा करवाने का ऐसा ही प्रोद्दीप निवासी हाल मुकाम राजनाम नागपुर श्रीमान शासन रतन गिदारीलाल जी साहब राजेंद्र कुमार जी ऋषभ कुमार जी
कोच्चर परिवार जो वर्षों से आचार्य भवन को निधन कर रहे थे, प्रशासन के विशेष कार्यों को ध्यान रखते हुए आचार्य भवन इस